मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है, एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं, तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो सर? मैं ज़रूर देखता हूँ, और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी, उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा। हाँ। इसलिए आपको बड़ा बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। और शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना जी चुनी भाई उनसे मैं मिला था। अच्छा, ये तो बहुत पहले। और कारण क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। गुजरात में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो हम लोग कुछ ना कुछ सामाजिक काम करते थे, उसमें हम लोगों को ये बटर मिल्क के केंद्र चलाते थे छाछ पीने के लिए, गर्मी में लोगों को बटर मिल्क। तो वो मूल सूर्यनगर जिले में हम बहुत बड़ी मात्रा में करते थे। तो उस एक कार्यक्रम में मुंबई में एक सज्जन थे, मिठाई के बहुत बड़े व्यापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, वो उनको लाए थे और उन्होंने डोनेशन भी दिया था। और हमने ऐसे छाछ केंद्र चालू किए थे बटर मिल्क के, बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे पानी की परब रहती है वैसे छाछ की परब रहती थी, और हर गरीब व्यक्ति वो। तो उस समय मैं उस सेवा के काम में लगा था, और उस समय इनके नाना जी वहाँ आए थे, तो उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तब मुलाकात काफ़ी बातें हुई थी उनके साथ, तो मेरा उस प्रकार से उनसे परिचय रहा है। तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगों को? बिल्कुल, मैं पढ़ता भी हूँ और मजा लेता हूँ। आपको वैसे मैं जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? वैसे आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है, इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, हमारे मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे आपसे मिले, तो सबके यहाँ लगा दिया जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने। तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, मुझे बड़ा मजा आता, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा उसने। मतलब बहुत अच्छे क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोच रहे हैं। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा, वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज होती थी जी, 5-star फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है, फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ, जब ये आएगा तो इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे, तो आप तो खैर तैयार हैं। मैं मुझे, मेरे लिए पहली बार होगा ये, मतलब कुछ लोग होते हैं इंटेंशन से आपको चुभे इसलिए करते हैं जी, जानबूझ करके, उस समय आपने अपने आप को संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं, और वो उसको उसकी नींद आराम कर देते हैं। अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको मजा आ जाता है, लेकिन देखा छोड़ दिया तो उसकी नींद खराब है। मैंने इतनी मेहनत की, इतना मोदी जी के बाल नोचने वाली चीज की, मोदी को कोई हो ही नहीं रहा है, तो वो परेशान हो जाता।
हाँ फिर वो अपना बंद भी कर देता थोड़ी देर बाद, ये भी बात सही है। बस